बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें ठीक ठाक रहें, खुशबाश रहें। फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में फिरनी बन रही है। ये फिरनी मैं ज़रा अलग स्टाइल से बनाऊंगी। फिरनी तो वैसे ही बनेगी जैसे बनती है, लेकिन मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो चेंज कर दिए हैं। आज मैं फिरनी जो है गाजर डाल के बनाऊंगी। इस तरह से इसका टेस्ट जो है और भी बढ़ जाता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी होती है और बच्चे बड़े सब इसे पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की फिरनी बनाने के लिए मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें डालने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो है वो नोट कर लें। 150 ग्राम मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 15-20 मैंने पिस्ते लिए, इनको मैंने चॉप कर लिया है। 15-20 मैंने बादाम लिए, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। डेसिकेटेड खोपरा लिया है मैंने आधा कप, और 2 टेबलस्पून मैंने कटा हुआ खोपरा लिया है। 6 टेबलस्पून भरकर मैंने चावल का आटा लिया है। ये बहुत आसानी से बाजार से मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप 1 कप चावल को 1 घंटा पहले भिगो दें और फिर आप उसे मिक्सर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लें, तो इस तरह आपका चावल का आटा जो है वो तैयार हो जाएगा। 100 ग्राम मैंने गाजर लिए, गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। 2 लीटर मैंने दूध लिया है, ये फुल फैट मिल्क है। सबसे पहले दूध डालेंगे। फुल फैट मिल्क लिया है मैंने। जैसे ही दूध में बॉईल आएगा तब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में बॉईल आना शुरू हो गया है। आंच को हमने यहाँ पे मीडियम रखा है। जैसे ही इसमें मुकम्मल बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉईल आ गया है। आंच को हम यहाँ पे लो टू मीडियम करेंगे और इसमें गाजर ऐड करेंगे। 100 ग्राम मैंने गाजर ली है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया। बहुत ही मज़े की हमारी जो है फिरनी तैयार हो रही है, लेकिन ये फिरनी थोड़ी अलग स्टाइल से मैं बना रही हूँ। ये एक डिश है और इसमें 2 मज़े हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक डिश में 2 मज़े। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी गाजरें नरम हो जाएंगी तब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आंच को हम थोड़ा सा यहाँ तेज़ करेंगे। गाजरों को हमने 10 मिनट तक पकाना है। ये पकना शुरू हो गई है। 10 मिनट हो गए हैं, हमारी गाजरें जो हैं वो अच्छे से नरम हो गई हैं। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप चीनी जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह, फिर हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें पिस्ते डालेंगे, बादाम डालेंगे, ये डेसिकेटेड खोपरा डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमने चम्मच को चलाते रहना है, चम्मच को नहीं छोड़ना। मैंने 6 टेबलस्पून चावल का आटा लिया था। ये जो रह गया ये भी ऐड कर देंगे। आंच को हमने यहाँ पे लो टू मीडियम रखना है और बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे कि इसमें लम्स ना रह जाए। हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया है। इसको हमने अब गाढ़ा होने तक पकाना है।
तो फ्रेंड्स, हमारी फिरनी जो है वो तैयार हो गई है। मज़ीद हम 1 से 2 मिनट इसे और पकाएंगे। इसके लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से थिक भी हो गई है। इसमें जो हमने बादाम पिस्ते वगैरह डाले थे वो भी नरम हो चुके हैं। और ठंडी होने के बाद फ्रेंड्स, ये मज़ीद जो है थिक हो जाएगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी न्यू स्टाइल फिरनी, जिसको हमने गाजर के साथ बनाया है। ये बहुत ही यम्मी बनी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे तो हमें याद रखिए, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।